पटना जाने वाले उस बारे में बताइए, किस तरह से विपक्ष को एक साथ लाने में उद्धव जी भूमिका निभाई। बात ऐसी है कि 12 जून को नीतीश कुमार जी ने सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि विपक्ष नेताओं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और जो देश में 2024 को परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, ऐसे सभी देशभक्त पॉलिटिकल पार्टी उनको सबको न्योता दिया है। इसमें उद्धव ठाकरे जी है महाराष्ट्र से, पवार साहब भी है। तो मुझे लगता है हम पटना जाने के बारे में सोच रहे हैं। सर, अपने डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाए। राहुल गांधी अमेरिका में है और उनकी जो सभाएं वहाँ हो रही है उनको बहुत बड़ा रिस्पांस वहाँ के लोगों से मिल रहा है और उनके भाषण सुनने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो भाड़े के तट्टू नहीं है, वो कोई इवेंट नहीं है, लोग अपने आप आ रहे हैं। और राहुल गांधी बहुत बड़े, मुझे मैं उनका भाषण सुन रहा था, फॉर्म में है, जैसे एक ज़माने में सचिन तेंदुलकर था फॉर्म या विराट कोहली था, उस तरह से बहुत फॉर्म है और जोरदार बैटिंग उनकी चल रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि उनकी हिम्मत है कि उनका संसद का सदस्यत्व ख़त्म हो गया, उनको घर छोड़ना पड़ा दिल्ली का, उनका पासपोर्ट छीन गया, फिर भी एक नेता जो है वो अपनी लड़ाई देश और विदेश में लड़ रहा है। उनका कहना ठीक है, जब संकट आता है तो संकट एक अपॉर्चुनिटी होती है और हम भी उसे विचार करें।